खरगोन जिले के बड़वाग क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध चमत्कारी ओखलेश्वर धाम मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपने हाथों में शिवलिंग लिए हुए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। हनुमान जी का यह अनोखा धाम इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। ओखलेश्वर मठ में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा दुर्लभ और अनूठी है, क्योंकि इनके एक हाथ में शिवलिंग है जबकि ज़्यादातर मूर्तियों के हाथ में द्रोणागिरी पर्वत होता है। देश की ये इस प्रकार की पहली मूर्ति है। इस मंदिर में एक और विशेषता यह है कि हनुमान जी को सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही चोला चढ़ाया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। अखिलेश्वर धाम में 46 वर्षों से रामायण पाठ जारी है। इस मंदिर में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ये अखिलेश्वर धाम में भी तो राजश्रियाल की नगरी है, राजश्रियाल हो गया त्रेता में, उससे ये प्रसिद्ध है। यहाँ ओखल मोसल में उनका पुत्र का मस्तक का कूट के भगवान शिव को उनने भोजन करवाया और फिर वो भगवान शिव की परीक्षा थी, भगवान प्रसन्न हो गया, वापस पुत्र जिंदो हो गयो। और यो गिनीज बुक को मामलो ये 46 साल से या 2576 से रामायण चली, तो अनवरत रात दिन अखंड चल रही है। वो कली योग गिनीज बुक में हनुमान जी है तो वो भी त्रेता युग का ही है, वो रामेश्वर स्थापना समय को है, जब राम ने रामेश्वर की स्थापना करी, जब ये शिवलिंग लेके गया, जब यहाँ रुकिया गौशाला है, यहाँ अन्य क्षेत्र है, यज्ञ होते हैं। ये चोलावरण 27 दिन में, हर 27 दिन में 2000-4000 आदमी को भंडारो और 27 दिन में हो। यही हनुमान जी उधर से आया कैलाश से, जब यहाँ रुकिया वहाँ देर होने से सीता माता ने शिवलिंग बनाए बालू रेत को। अच्छा। और फिर ये लेके गया वो धनुष्कुटी में। अच्छा। स्थापना किविदंती है प्राचीन यहाँ की। अच्छा। भाई यहीं रुके हनुमान जी। कितने लोगों के से मनोकामना पूर्ण है? हजारों आप भी करो आपकी भी सब होगी, हजारों लोगों की होती है। सुभाष प्रसाद पुरोहित। मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने से यहां आने वाले हर भक्त के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, खरगोन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।